प्रातः क्लास चल रहा था, 5/1/1968 शुक्रवार को। तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी, इतने अच्छी तरह से पॉइंट्स समझाई जाती हैं और इतना पढ़ते हो बाप से, इतना समय से पढ़ते आए हो तो इतना ज्ञान एक सेकेंड में तो नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर है कि एक सेकेंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। तो कैसे? वही बाप को जानने से मिल सकती है, क्योंकि बाप को जानने से, फादर को जानने से स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है। वो है ही हेवनली गॉडफादर। और वो हेवनली गॉडफादर ही हेवन की स्थापना करते हैं, फिर उसको हेवन कहो, स्वर्ग कहो, पैराडाइज कहो। बाकी उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। पीछे जो जितने दिन पुरुषार्थ करते हैं, जितना लंबा समय पुरुषार्थ करते हैं, जैसा पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को कराते भी हैं, तो इतना वहां ऊंच पदों का बन जाता है। तो देखो, यहां राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सबता रह के चाहिए। अच्छे से अच्छे भी चाहिए और अच्छे से अच्छे होते ही हैं देवात्मा। इनकॉग्निटो, और बाप भी इनकॉग्निटो, और हम उस बाप के बच्चे भी इनकॉग्निटो। जो हम योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हैं, क्या योग बल? अपन को आत्मा समझ है, आत्माओं के बाप को प्रैक्टिकल में पहचान कर और याद कर, और निरंतर याद करना। अब भी विचारी याद होनी चाहिए। हाँ, ये तो गाया हुआ है, दृष्टांत है कि दो आपस में लड़ते हैं तो मक्खन तीसरा खा जाता है। तो ये भी ऐसी है, ये सभी आपस में लड़ते हैं, मिसाइल्स वगैरह से, जिन्हें शास्त्रों में मूसल बताई दिया है। और मक्खन कौन खा जाता है? कृष्ण मक्खन खा जाता है। उस शास्त्रों में दिखलाया हुआ है ना बरोबर कि कृष्ण ने मक्खन खाया। कौन से कृष्ण है? जो बेगर टू प्रिंस बनता है, नर से डायरेक्ट नारायण बनता है।
तो पुरुषार्थ की बात है ना कि जन्म लेने से बनता है। हाँ ये है कि जो दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, पता है वो बिल्ले कौन है? है वो क्रिश्चियन लोग ही हैं जो आपस में लड़ते हैं। और ये जो उनके बनाए हुए मिसाइल्स हैं उनसे लड़ेंगे आपस में, और फिर मक्खन तो मिलना ही है श्री कृष्ण, क्योंकि वो तो दुनिया का फर्स्ट प्रिंस है नई दुनिया में, और उनको दिखलाते हैं बरोबर। और देखो हम भी तो दिखलाते हैं, हम दिखलाते हैं कि कृष्ण की आत्मा गोरी। और फिर ये भी बताते हैं कि शास्त्रों में है कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा है, क्योंकि जो सुंदर थी वही अनेक जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते संग के रंग में आते आते सांवरी बन जाती है, काली बन जाती है ना। काला कैसे बनता है? अनेक रंगों को मिलाने से काला बनता है कि एक रंग से काला बनता है? तो ऐसे ही है, इस सत्युग से लेकर के कलयुग के अंत तक भांति भांति की आत्माएं आती हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने। तो उनके संग के रंग में आने से ये काला बन जाता है। बाकी ये काला बनने वाला काला देव तो कोई बैठ करके पीस स्थापन करेगा क्या? नहीं, ये कोई गीता का भगवान थोड़े ही है। नहीं, गीता का भगवान ये कैसे हो सकता जो मंदिरों में यादगार आज भी बच्चे के रूप में दिखाते हैं? गीता के भगवान ने तो राजयोग सिखाया जिसमें राज भरा हुआ था। तो ये गीता का भगवान नहीं हो सकता। हाँ, बच्चे का बाप है और वो है ही शिव, आत्माओं का बाप है ना। और जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच प्राणी मात्र हैं सब आत्मा ही तो है ना, परंतु अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। असली स्वरूप को जानेंगे कौन? मनुष्य ही जानेंगे, जिनमें मनन चिंतन मंथन करने के लिए मन होता है, बुद्धि होती है फैसला करने के लिए, तो वो जान जाते हैं। और नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जान जाते हैं कि वास्तव में शिव ही भगवान है, काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं ना। शास्त्रों में जितने भी नाम है सब काम के आधार पर है। तो क्या बड़े से बड़ा काम करते हैं? सारी सृष्टि का प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं ना। कौन सी आत्मा? क्या मनुष्य आत्मा है?
भोगी आत्मा है? नहीं, भोगी आत्मा है मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं कर सकती है। वो तो एक ही आत्मा है जिसका नाम कभी बदल नहीं सकता। क्या क्या नाम है? बिगाड़ दिया। शिव। हाँ, आत्म के स्टेज में कहेंगे तो शिव कहेंगे, परंतु कोई भी आत्मा आत्म की स्थिति में है, आत्मा है तो कर्म कैसे करेगी? तो हर आत्मा को शरीर तो चाहिए ना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए, कर्म करने के लिए। तो शिव को भी शरीर तो जरूर चाहिए, परंतु उनको अपना शरीर है ही नहीं है। तो जो सारे संसार का कल्याण करने वाली आत्मा है, संसार में तो नाम ये संसार, संपूर्ण संपूर्ण सार। संपूर्ण सार कब निकले है? देह समझने से सार, या देह में जो पार्ट बजाती है सार स्वरूप आत्मा, उसे ही तो कहेंगे ना। तो उन सब आत्माओं का बाप है शिव। और ये भारत में तो बड़ी से बड़ी भूल कर दी है। है क्या क्या भूल कर दी है? कि हर आत्मा को परमात्मा साबित कर दिया, आत्मा सो परमात्मा। यहां तक के कहने लगे शिवो हम। बाप कहते हैं एक ज बड़ी ते बड़ी भूल हो गई। क्या? जो कृष्ण की आत्मा ने अपन को भगवान मान लिया। कौन सी कृष्ण की आत्मा? कलाबद्ध कृष्ण की आत्मा या कलातीत जो बनती है वो आत्मा? कौन सी आत्मा? अरे चाहे कलाओं में बंधने वाली 16 कला संपूर्ण कृष्ण की सतयुग में जन्म लेने वाली आत्मा हो, चाहे कलातीत पुरुषार्थ करके बनने वाली आत्मा हो, दोनों में से कोई भी असली भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही भोगी हैं, है कि नहीं है? सदा काल की भोगी है ना। हाँ, जब बाप आते हैं आत्माओं का तो रास्ता बताते हैं। वो भी रास्ता समझने वाले, जानने वाले, चलने वाले नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार। तो देखो शिव बाबा भी हमको सिखलाते हैं कि स्वर्ग की स्थापना होती है, और भक्ति मार्ग में फिर अभी भी सब झूठी गीता सुनाते हैं। कह देते हैं श्री भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच। अभी वो काला कृष्ण कहां से भगवान हो गया, और गोरा भी कैसे भगवान हो सकता है? काले को गोरा बनाना है? और गोरे को काला बनाना, ये अलग अलग काम है कि एक ही है? अलग अलग है। काले को गोरा बनाने वाला वो ही हो सकता है जो कभी भी काला न बनता हो। तो वो एक ही है जो कभी भी कोई काले काम नहीं करता। सारे काम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर करता है। तो
गोरे काम करता है, है? या काले काम करता कराता है? नहीं, तो उसका नाम ही है शिव, कल्याणकारी, हर प्रकार से कल्याणकारी। तो ये भगवान की तो महिमा पहले पहले करनी चाहिए, और वो तो है ही भगवान। हाँ, जो रचना रचते हैं उसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, और फिर वो है ज्ञान का सागर। तो अब पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है? उस पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? इस कलयुगी पतित दुनिया में तो सब पतित होते हैं, कोई भी पावन नहीं, दुनिया ही पतित है, तो पावन कौन बनावे? है क्या कोई गंगा पावन बनाएगी? अरे ये गंगा बंगा पतित पावनी होती है क्या? है जाते हैं स्नान करने गंगा में तो भी समझते नहीं है कि हम पतित हैं कि पावन हैं, क्या समझते हैं? अरे गुरु लोग तो और ही उल्टा समझाते हैं। क्या क्या समझाते हैं? अरे सब कोई गंगा में स्नान करके गंगा को गंदा कर देते हैं, अरे हम उस समय पांव डालते हैं तो क्या गंगा पवित्र हो जाती है हमारे संग के रंग से। अरे तो सभी पतित हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पतित ना हो, और पतित जाते हैं गंगा में स्नान करने, पतित पाव नहीं समझ करके है। या तो देखो त्रिवेणी पर जाते हैं, फलाने में जाते हैं, प्रयाग में जावेंगे, बनारस में जावेंगे, गंगा सागर में जावेंगे, परंतु ये कोई पतित पावनी थोड़े ही है, ये तो पानी की नदियां हैं, है? पानी नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जाता है? है पानी नीचे से ऊपर जाता है? पानी तो ऊपर से नीचे ही जाएगा ना। हाँ तो देखो चाहे वो हद की गंगाएं हो पानी की गंगाएं, और चाहे वो बेहद की गंगाएं हो, है? वो कहां जाएंगी? और गंगा कोई एक प्रकार की है क्या? है अनेक नदियां हैं, अनेक नदियों में स्नान करने जाते हैं कि कोई एक ही नदी गंगा में ही जाते हैं? है अनेक में जाते हैं ना, तो वो कोई पतित पावनी नहीं है, ये तो सारा भक्ति मार्ग है, अंधश्रद्धा का मार्ग। अरे पतित पावन तो एक ही बाप है ना, है? उनको बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, क्या कह के बुलाते हैं? पतित पावन सीताराम कहते हैं ना, तो वो आ करके अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के टाइम पर है, पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला बोलते हैं। पवित्र रहो, कर्म इंद्रियों से पवित्र रहो,
ज्ञान इंद्रियों से पवित्र रहो, मन बुद्धि से पवित्र रहो। पवित्र बनेंगे तो इस शरीर में ऊंचे से ऊंची पावर कौन सी है जो सदा काल है, कोई भी युग में है तो ना, कहेंगे आत्मा। अरे आत्मा में भी तो शक्तियां है ना, क्या आत्मा में मनन शक्ति है, आत्मा में फैसला करने की बुद्धि की शक्ति है। पवित्र, पवित्र क्या चीज है, पवित्र क्या चीज? अरे बड़े से बड़ा वरदान है बुद्धि का। जो शरीर है ना, इस शरीर में जो भी तत्व हैं, उन तत्वों में सबसे मुख्य तत्व है बुद्धि। परंतु वो बुद्धि भी संग के रंग से पावन बनती है, बुद्धि भी संग के रंग से पतित बनती है। तो जो बुद्धि है वो ही राजा है, है? इस शरीर रूपी मकान में। और किसके द्वारा कार्य करती है? उसका महामंत्री है ये मन, है? हा, तो मन को घोड़ा कहा जाता है। अगर घोड़े को लगाम लगाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा, और बुद्धि की लगाम न लगाई तो गड्ढे में ले जाए। तो बताया, मन को कंट्रोल में करेंगे तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। तो इनको जीतो। किसको किसको? कर्मेंद्रियों को जीतो, ज्ञान इंद्रियों को जीतो, इनको कंट्रोल करने वाले मन को भी, मन को भी जीतो। कैसे जीतो? है बुद्धि के द्वारा जीतो। इस बुद्धि को ही है भगवान बाप आकर के, आत्माओं का बाप आकर के क्या देते हैं, है बुद्धि का वरदान देते हैं, दिव्य नेत्र देते हैं। तो देखो ये बनना होता है पुरुषार्थ करके। तो उसके राज्य में तो ये जो बनना होता है, क्या नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो उसके राज्य में तो शांति ही शांति है। एक तो शांति है विश्व में, है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया है या निराकारी? साकारी। और फिर दूसरे होती है शांति इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया है आत्माओं का लोक, है और साकारी दुनिया है मनुष्य लोक। तो निराकारी लोक में वहां तो आत्मा ही आत्मा है, कोई भी देहधारी प्राणी मात्र हो ही नहीं सकता। और यहां देखो ऐसे दुनिया में आत्माएं शरीर धारण करने वाली है। तो देखो जब आत्माएं आत्मलोक से इस सृष्टि में आती हैं तो शांत, कम से कम एक जन्म में शांत जरूर रहती है, और ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बाप बताते हैं 21 जन्म की शांति देता हूं। जहां नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा, एक मत,
एक कुल है। अरे सब कुछ एक ही एक है, जो मांगते हो वो स्थापन हो रहा है। तुमको मालूम पड़ता है, हमको मालूम पड़ता है, सब ब्राह्मणों को मालूम है कि हम ब्राह्मण से अभी देवता बन रहे हैं। तो उन ब्राह्मण सो देवता बनने वालों में पहले पहले कौन है? ब्राह्मण सो क्या क्या कहते हैं वो ब्राह्मण को? चोटी का ब्राह्मण। उससे ये है ब्राह्मण कुल। पीछे फिर ब्राह्मण से पुरुषों में उत्तम बनते हैं, देवी देवते हैं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्राह्मण पुरुष उत्तम है, है? नहीं, ये पुरुषोत्तम बनने के लिए तो संगम युग में है पहले क्या बनना पड़े? शूद्र मनुष्य से ब्राह्मण बनना पड़े। क्या डबल मशीनरी है? पहले सारी दुनिया में कलयुग में सब शूद्र हो, तो 300-400 वर्ष पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया था, क्या भय वर्ण संकर सब है। शूद्र क्या होते हैं? वर्ण संकर होते हैं ना, उनकी कोई एक जाति पक्की कहें नहीं। तो ये सब दुनिया में शूद्र ही शूद्र, उनको पहले ब्राह्मण बनाना पड़े। और मैं किसको पढ़ाऊंगा? मैं शूद्रों को आगे पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, मैं तो ब्राह्मणों को पढ़ाता हूं। तो ये ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, है? कौन से ब्रह्मा द्वारा? नहीं, छोटी के ब्रह्मा द्वारा। नहीं, छोटी तो खुद काली है, है? काले काले बाल है ना। हाँ हाँ, ब्राह्मण बनते हैं चार मुखों वाला जो ब्रह्मा दिखाया है, हाँ उससे बनते हैं ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण भी बनते हैं, सूर्यवंशी से लेकर के नीचे ते नीची नौवीं कुरियों तक के ब्राह्मण बनते हैं। किससे? एक ब्रह्मा के द्वारा। तो फिर ये हुई पहली मशीनरी। क्या नाम ही रखा? क्या संस्था का नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो बाप बैठ करके इस ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, है? फिर क्या करते हैं, है? फिर ब्राह्मणों को, तो पक्के ब्राह्मण बनते हैं, है? सूर्यवंशी ब्राह्मण है, उनको बैठ करके फिर देवता बनाते हैं, क्योंकि ये यज्ञ है ना। अरे यज्ञ जो भी रचे जाते रहे भक्ति मार्ग में, वो यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा होते थे ना, हा? तो ये ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ है, रुद्रज्ञान यज्ञ भी रचा जाता है। तो इसमें ज्ञान भी है, है? और ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता ज्ञान है, है? चार मुखों वाले ब्रह्मा जो दिखाया जाता है उसके द्वारा क्या मिलता है? गीता ज्ञान मिलता है ना, है? के मनन चिंतन मंथन करके उस गीता ज्ञान में से अमृत निकाला जाता है, नहीं? तो ये पढ़ाई है, जो सुप्रीम टीचर की पढ़ाई है वो फिर मैं पढ़ाता हूं।
है, तो ये बैठ करके इसमें ये समझाना चाहिए है। अब ये तुम बच्चों को ऐसे नहीं है कि ये तुमको छोड़ देना चाहिए, नहीं, समझना है और फिर दूसरों को समझाना भी है। ओम शांति।